नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सागर द्वारा अपरदनात्मक सागरीय जल द्वारा अपरदनात्मक अस्थलाकृतियों के बारे में पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय द सी वाटर, यानी जो सी वाटर है, सी वाटर का मतलब वेव्स यानी लहरें सागरीय धारा जिसको हम लोग करंट कहते हैं, टाइडल वेव्स वारियतम तथा सुनामी किस प्रकार से अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल लैंडफॉर्म्स में पहला नंबर पर हम लोग का आता है तटीय क्लिफ, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोस्टल क्लिफ कहते हैं। कोस्टल क्लिफ या तटीय क्लिफ कैसे बनता है, तो इसके बनने में देखेंगे, जैसे तट जो तट हम लोग जान गए हैं कि तट जो होता है वह स्थल से लगा हुआ भाग होता है, वह समुद्री छोर जो स्थल से लगा हो यानी कॉन्टिनेंटल पार्ट से लगा हो, महाद्वीपीय हिस्सा से लगा हो, वो तट होता है। वहाँ पर देखेंगे सागरीय किनारे पर, हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी किए थे किनारा क्या होता है। किनारा हम लोग जानते हैं उच्च ज्वार तरंग और निम्न ज्वार तरंग के बीच में होता है। तो उच्च ज्वार तरंग और निम्न ज्वार तरंग के बीच में आप देखेंगे सागरीय लहरें आती हैं और वो तट के जो किनारा वाला सेक्शन होता है, तट के जो ईज होते हैं, तट का जो ईज लगा होता है उसके साथ, उसको सागरीय जल काटती है। आप देखेंगे कि उसके तट के आधार पर ज्यादा कटाव होता है, तट के आधार पर ज्यादा कटाव होने से खांच बन जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉच कहते हैं, जिसको हिंदी में और देखेंगे खांच के जगह दाता भी उसका नाम है। तो खांच या दाता आधार पर हाई टाइड में आने से, हाई टाइड पावरफुल होती है, हाई टाइड में आने से आधार पर यानी क्लिफ के निचले वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे ज्यादा कटाव हो जाने से नॉच बन जाता है, ज्यादा कटाव हो जाता है। जबकि उसका किनारा वाला ऊपरी सेक्शन होता है वह भी आप देखेंगे धीरे धीरे इरोडेड होते जाता है और वो लगभग वर्टिकल हो जाता है, अबाउट टू वर्टिकल ऐसा किनारा बन जाता है जो तटीय क्लिफ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं सागरीय जल तटीय भाग के किनारे वाले को काट कर वर्टिकल बना देते हैं, लगभग वर्टिकल बना देते हैं और वह तटीय क्लिफ हो जाता है। तो इसमें आपका जो मुख्य रूप से योगदान दे रहे हैं वही सबसे टूटने वाली लहरों का मूल योगदान है, ज्वारीय तरंगे हैं, सी करंट जो भी आ रहे हैं जैसे लिबरल करंट वगैरह, तो उनका भी इसको काटने में योगदान है, मेनली यहाँ पर सी वेव्स का वेव्स वेव्स कोस्टल क्लीफ का निर्माण करती है, उसमें आप ज्वारीय तरंगे भी सहयोग करती हैं जो नॉच बनाने में ज़्यादा पार्टिसिपेट ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग तटीय क्लिफ देख लिए कि तट का जो भाग होता है, तट का जो अग्रभाग होता है वह सर्फ से आने वाले लहरों के द्वारा काट कर लंबवत बना दिया जाता है और लंबवत बन जाने से अग्रभाग जो उसका लंबवत बन जा रहा है वही तटीय क्लिफ होता है। जबकि तटीय क्लिफ के निचले भाग में ज़्यादा कटाव हो जाने से ज्वारीय तरंग वगैरह से ज्यादा कटाव हो जाने से वहां पर खांच बन जाता है जिसे हम लोग नॉच कहते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, ये इसका पिक्चर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तरंग भर्तिक वेदिका, यहाँ पर लिखा हुआ है वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म कैसे बनता है इस पर भी जरा सा देखिए। क्या होता है कि जो सागरीय लहरें आती है, यहाँ पर मान लीजिए सागरीय लहरें आ रही है, धीरे धीरे ये सेक्शन भी तटीय क्लिफ टूटता जाता है। कैसे जाएगा, नॉच उसका बड़ा होते जाएगा, नॉच के पीछे जा रहा है, नॉच पीछे जा रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे नॉच उतना ज्यादा पीछे चला जाता है, ये वाला सेक्शन तटीय क्लिफ संभाल नहीं पाता अपने आप को और वो टूट कर गिर पड़ता है। गिर जाने से क्या होता है, जो तटीय क्लिफ है और पीछे चला जाता है। तो तटीय पीछे चले जाने से यहाँ पर इस पिक्चर में तटीय क्लिफ पीछे चला गया और जो नॉच वगैरह थे सब टूट गए, टूट जाने से क्या बन गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया,
जिसको हम लोग तरंग भर्तित वेदिका या वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाए कि तटीय क्लीव जो सागरीय लहरों के द्वारा कट कर पीछे चला गया, नॉच उसने सपोर्ट किया, नॉच भी बढ़ नॉच इतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, तटीय क्लीव ऊपर वाला जो लटका हुआ भाग है वो टूट कर गिर जाएगा, और इस तरह से गिर जाने से तरंग भर्ती वेदिका का पूरा देखेंगे तटीय क्लीव भी टूट के पीछे चला गया, और इस तरह से आपका तरंग भर्ती वेदिका वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। कभी कभी वेव कट प्लेटफॉर्म पर ही यानी तरंग भर्ती वेदिका पर ही ज्वार के द्वारा उच्च ज्वार आने से बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है, जो तरंग घर्षित वेदिका पर बड़े बड़े जो गड्ढे बन गए हैं ज्वारीय तरंगों के द्वारा, तो जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं टाइड आने से वेव कट प्लेटफॉर्म पर, वही क्या हो जाता है ज्वारीय कुंड हो जाता है, जिसको हम लोग टाइडल पोल कहते हैं, पोल टाइडल पोल ज्वारीय कुंड बन गया, कुंड जो हम लोग का एक गड्ढा वो कुंड कहते हैं, टाइडल पोल का निर्माण जाता, और ये टाइडल पूल पूल आपको तरंग भर्ती वेदिका वेव कट प्लेटफॉर्म पर दिखेगा। चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि अब हमने तटीय क्लीव पढ़ लिया, नॉच पढ़ लिया, तरंग भर्ती वेदिका पढ़ लिया, ज्वारीय पूल, चार स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है तटीय क्लीव हाँ तरंग भर्ती वेदिका ज्वारीय पूल नीचे है, तो हम लोगों ने चार को खत्म कर लिया, ठीक कर लेते हैं किसको किसको हम लोग समझ लिए, तटीय क्लीव खत्म हो गया, खांच खत्म हो गया, आगे वाला अंडाकार कटान हो जाता है, हिंदी में इसको लघु निवेशिका, लघु मीन छोटा, निवेशिका मीन एंट्री करने वाला, प्रवेशिका जाने वाला, तो इस तरह से हिंदी में इसका नाम है लघु निवेशिका अंडाकार कटान। ये देखिए एक स्थलीय भाग हो गया, ये लैंड सेक्शन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लैंड है, भूमि है, और इस भूमि के साथ समुद्री एरिया है, यह समुद्री एरिया है, इस भूमि के साथ यदि कोमल सैंड सॉफ्ट रॉक्स तथा हार्ड रॉक्स पैरेलल हो, यहाँ पर मान लीजिए कि सॉफ्ट रॉक्स हैं और इसके आगे हम देखते हैं कठोर चट्टान का ये लेयर हो, इमेजिन करिए कि सॉफ्ट रॉक्स के आगे हार्ड रॉक्स भी हो, तो हार्ड रॉक्स में क्या होता है, सागर का जल उस हार्ड रॉक के पोर के सहारे यानी उसमें जो छिद्र हैं वेंट उसके सहारे वो एंट्री करता है, और इसके पीछे क्या है सॉफ्ट रॉक्स है, तो सॉफ्ट रॉक को जाकर घुला देता है, घुला दिया, निकाल दिया वहां से सागर का जल बहा दिया, और इस प्रकार से देखेंगे कि कोमल सैल के पीछे वाला सेक्शन में फट जाने से अंडाकार कटान ऊपर इस तरह से देखें ऐसा 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 अंडाकार कटान हो गया है, हार्ड रॉक्स के पीछे वो क्या बन गया को बन गया, जिसे हम लोग अंडाकार कटान या लघु निवेशिका कहते हैं, और जो ये हो सकता है कि हार्ड रॉक्स जो कुछ लेयर था एक पैरेलल लेयर था वो उसका कुछ जो सेक्शन है हार्ड रॉक्स का वो आगे आपको हेडलैंड के रूप में दिखे, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है ये सब हेडलैंड हार्ड रॉक्स, वो हेडलैंड के रूप में आपको शीर्ष स्थल के रूप में दिखे, हिंदी में इसी का नाम क्या हो गया शीर्ष स्थल, आगे को के आगे आपको जो कठोर चट्टान के रूप में मिल रहा है उसी का नाम क्या हो गया शीर्ष स्थल या डेड लैंड हो गया, तो ये भोग में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंदरा के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, तो ये थोड़ा सा डेवलप है, देखिए ये क्या होता है आप समझ सकते हैं ये क्या है कंदरा क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये कट का पूरा ये मान लेते हैं पूरा कट भी अभी के बना नहीं है, अभी केव बना नहीं है, आपको मान के चलना है कि यहाँ केव अभी बना नहीं है, सागर के जल के आने से इधर समुद्र का जल है, सागर ये जल है,
सागर के जल के आने से यहाँ भी जल बुला लिया। जल के आने से जो एक तटीय भाग था जिसमें कठोर और कोमल चट्टानें थी, कठोर भी था कोमल भी था, कोमल वाला सेक्शन हट गया, कोमल वाला जो कठोर चट्टान में था तट से लगा हुआ उसमें कोमल जो कंटेंट थे वो निकल गए पानी से घुल के या फोर्स से मार मार कर उसको बाहर कर दिया गया और जो मजबूत है वो ही उसमें रख गया। तो जो कोमल सेलें निकल गई हैं उससे क्या हो जाता है, एक छोटा सा कंदरा बन गया, यानी एक आपको केव दिखने लगेगा, स्मॉल टाइप ऑफ केव आपको वहां पर दिखने लगेगा, कंदरा एक आपको गुफा टाइप का दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से पहले कंदरा का निर्माण हो जाता है और कंदरा का निर्माण तभी होता है जहाँ हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक मिक्स करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हाँ सॉफ्ट रॉक निकल जाएगा, हार्ड रॉक टिका रहता है। जब ये कंदरा काफी थोड़ा सा साइज इन साइज से बड़ा हो जाता है, साइज में कंदरा बड़ा हो गया तो आप देखेंगे तट से दो स्थल के रूप में दिखेगा, एक यहाँ दिख रहा है जल के तौर और एक उसके पीछे वाले सेक्शन में भी आपको एक सिर्फ टाइप का दिख रहा है तट से लगा हुआ और इसमें पानी फ्लो कर रहा है, कंदरा में भी पानी फ्लो कर रहा है। ऊपर आपका जो इस तरह से आप देख रहे हैं इस पर हम लोग आ जा सक रहे हैं, ये एक स्थलीय भाग है। तो ये जो ऊपर आपको एक छत टाइप का दिख रहा है ये आपको क्या बना दिया, प्राकृतिक मेहराब बना दिया, नेचुरल अर्थ बना दिया। तो लग रहा है जैसे ये छज्जा है इसका ऊपर और नीचे पानी जा रहा है, नीचे अपने से कटा हुआ, ये बनाया नहीं गया, सागर का जल है, सागर का जल बना दिया, लहर बना दिया। तो इस प्रकार से आप केव के ऊपर जो इस तरह से कटान देख रहे हैं अर्थ टाइप का चाप टाइप का वो प्राकृतिक मेहराब है। तो ये प्राकृतिक मेहराब बनती है, यानी केव का ही विकसित रूप है। केव जब अच्छे साइज में बन जाता है, अच्छा सा केव बन जाता है, आकार टाइप का दिखने लगता है तो उसका जो ऊपर वाला जो छत है वो प्राकृतिक मेहराब कहा जाता है। कंदरा के ऊपर जो छत है वो प्राकृतिक मेहराब हो जाता है। तो प्राकृतिक मेहराब ये समझ गए। लटकती घाटी हैंगिंग वैली क्या होता है इसको भी हम लोग समझ गए। क्या होता है कि सागरीय लहरें तट पर प्रहार करती हैं, तट पर प्रहार करने से तटीय क्लीप पीछे जाता है और यदि उस तटीय क्लीप के ऊपर से कोई नदी वगैरह आकर गिरती हैं तो क्या होता है, तटीय क्लीप के पहुंचने से नदी जहां अपर्दन कर लेती तट के ऊपर वो नदी अब इसी में डायरेक्ट गिरती हुई मिलेगी, क्योंकि वो तट पीछे चले जाने से अब नदी डायरेक्ट उसमें आपको समुद्र में सी में गिरती हुई दिखाई देगी। और जब नदी डायरेक्ट गिरती हुई ऐसे सीधे आकर समुद्र में मिलती हुई जो दिखाई पड़ रही है यही लटकती वैली, यानी इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि तटीय क्लीप के पीछे जाने से अगर उसके पीछे कोई नदी आ रही है, तट के पीछे से समुद्र में गिर रही है तो उसके पीछे कटाव से नदी अब डायरेक्ट लगेगी समुद्र में, लटक रही गिर रही। तो इस तरह से लटकती घाटी का निर्माण यानी इसके साथ लटकती घाटी का तभी निर्माण होगा जब तट के पीछे कोई रिवर आकर गिर गई। तो ये हम लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इस तरह से देखते हैं प्राकृतिक मेहराब जो यहाँ हम लोगों ने स्टडी किया है। प्राकृतिक मेहराब यदि ये सागर के जल के द्वारा टूट जाए, प्राकृतिक मेहराब छत टूट गया, छत के टूट जाने से और इसका ये जो आगे वाला सेक्शन है ये नीचे आगे वाला जो प्राकृतिक मेहराब का पूरा ऐसे अंग था तो ये वाला सेक्शन रहा रहे और ये वाला छत इसका टूट कर नीचे गिर पड़ा तो जो ये ऊपर एक सिर्स टाइप का ऊपर ऐसे जा रहा है खंबा टाइप का यही क्या हो जाता है सागरीय अस्तंभ हो जाता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, नगर कठान पढ़ लिया, लटकती घाटी पढ़ ली, हैंगिंग वैली को पढ़ लिए, तटीय कंदरा पढ़ लिए, पहले तटीय कंदरा ही बनेगा कोस्टल के और उसके बाद कोस्टल के का विकसित रूप क्या हो गया नेचुरल और प्राकृतिक मेहरा और अगला हम लोग पढ़ लेंगे सागरीय स्तंभ। तो सागरीय स्तंभ क्या है, प्राकृतिक मेहराब की यानी नेचुरल अर्थ की जब छत गिर जाती है और उसका आगे वाला जो
शीर्ष स्थल है, खड़ा रहता है ऊपर, तो स्टैक बना है। तो ये हम लोग को पता चल गया स्टाम्प क्या है। यदि स्टैक का साइज अपवर्धन के द्वारा छोटा हो जाए, यानी स्टैक जब छोटा हो जाता है तो वह सागरीय स्टंप बनाने लगता है, सी स्टंप हो जाता है। तो ये स्टंप और स्टैक में बस केवल साइज का स्टैक से छोटा स्टंप। अब नेक्स्ट हम लोग देखें प्राकृतिक चिमनी, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्लो होल्स कहते हैं। ब्लो होल्स ये कैसे होता है? ब्लो होल्स में देखेंगे ये प्राकृतिक मेहराब है, प्राकृतिक मेहराब है। इसे इसके पास या कोई कंदरा भी है, कोई कोई प्राकृतिक मेहराब कंदरा एक ही टाइप का चीज है। वाटर सी वेव्स आकर उससे लड़ रहे हैं, मेहराब से आकर लड़ रहे हैं। लड़ने के साथ क्या होगा, उसमें जो रोम छिद्र होंगे यानी पोर होंगे तट के फ्रंट वाले सेक्शन में, तो जो सामने उसका पोर है उस पर जल का दबाव पड़ेगा, जलदाब पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है जलदाब क्या हो रहा है, वाटर प्रेशर क्या हो रहा है, पांचवा एक्शन हम लोगों ने पढ़ा। वाटर प्रेशर से क्या होगा, एयर उसका अंदर जाएगा, कंदरा के अंदर केव के अंदर हवा जाएगा, और जब वाटर वापस जाएगा रिपल करंट के रूप में या अंडरटो के रूप में, तो इसमें से हवा जो कंदरा में है वो उसमें से जो रोम कोर बना है, रोम छिद्र बना है, उसमें से बाहर आए। इस तरह से लगातार क्रिया होने से ये प्राकृतिक मेहराब टूट जाते हैं, और जो उसमें से हवा आ रहा है और जा रहा है वही क्या है, ब्लो होल्स है। यानी टूटने से पहले जो उसमें कंदरा में हवा वाटर सी वेव पुश करके अंदर कर रहा है, और जब वाटर बैक जा रहा है तो उसमें से हवा बाहर फेंक रहा है, यानी सागर चिमनी में कंदरा से बाहर हवाएं जा रही हैं, वही क्या हो रहा है, प्राकृतिक चिमनी बना रहे हैं, नेचुरल ब्लो होल्स बन जा रहे हैं। इसके बाद जब देखेंगे कि इस तरह से लगातार ब्लो होल्स से हवा का केव में जाना और केव से हवा का बाहर आना, इस तरह से ये कमजोर हो जाता है और कमजोर होकर टूट पड़ता है, गिर गया छत। और जब छत गिर गया, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जो गिर गया तो खाड़ी बन गया, एक प्रकार से पानी वगैरह जो वाटर है सी का वाटर है वो इनके गिर जाने से, जो छत का गिर जाने से जल का कुछ मात्रा इसमें कवर हो गया, यानी उसको घेर लिया गया, उसमें कुछ भाग खुला नहीं रहेगा जिससे पानी आ जाए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि खाड़ी का निर्माण होता है। खाड़ी हम लोग जानते हैं खाड़ी वैसा इसलिए होता है, बे वैसा होता है जो तीन तरफ से घिरा होता है। तो ये जो छत के गिर जाने से एक छोटा सा खाड़ी बन गया है हम लोग को, इसको हम लोग इनलेट भी कहते हैं। इनलेट का मतलब सागर का पानी उसमें है, तो इनलेट बन गया, इसी को हम लोग प्रवेश द्वार कहते हैं। और स्कॉटलैंड में इसी का नाम जियो है, तो ये आप जियो भी समझ के नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तरंग घर्षित वेदिका पर वेव कट प्लेटफॉर्म पर, जो कि यहाँ हम लोगों ने पढ़ा वेव कट प्लेटफॉर्म पर, कभी कभी क्या होता है, एक बड़ा सा चट्टान वेव कट प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहा है, जो आइसोलेटेड फॉर्म में आपको दिखेगा, लगेगा कि जैसे सब तो कट गया, लेकिन ये चट्टान पर तरंग घर्षित पर दिख रहा है, प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है। तो सेक्शन इसके वाटर में रहते हैं, हम लोग तो वो सब पढ़ ही हैं, विपरीत किनारा बैक सोर पानी ज्वार जब आता है तभी पहुँचता है, हाई टाइड्स आते हैं तभी वहाँ पहुँचते हैं, अग्रिम किनारा फोर सोर पर पानी रहता है, ये सब वेव पर प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं, और सुदूर किनारा तो बहुत दूर हो गया, समुद्री एरिया में चला गया। इसी में आप देखेंगे कि फोर सोर वगैरह तक आपको लग जाएगा कि यार एक तो बड़ा सा चट्टान दिख रहा है, बाकी फिर पानी आपको दिख रहा है, यहाँ तक देख रहे हैं पानी है इस पर, इधर भी पानी है, चारों तरफ पानी है, ये एक उठा हुआ भाग दिख रहा है, पानी के बीच में एक आपको बड़ा सा चट्टान दिख रहा है जो वेव पर प्लेटफॉर्म पर ही रहता है,
और इस तरह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, रॉक रीफ कहेंगे, कि चट्टान का भित्ती पड़ा हुआ उभरा हुआ जैसे एक लगता है कि खड़ा स्तंभ बना दिया गया है रॉक। तो इस तरह से सिर्फ भित्ती हम लोग पाड़ दिया। तो इस प्रकार से हमने नदियां को तटीय क्लीव समझाया, इसको कोस्टल क्लीव करते हैं, खांच या दाता समझाया, इसको नॉक्स करते हैं, वेट पर प्लेटफॉर्म समझाया, तरंगवर्ती वेदिका, अंडाकार कटान कुओं, लटकती घाटी, लटकती घाटी का तभी निर्माण होगा तट के पास जब उस तट के पीछे कोई रिवर भी हो और तटीय की पीछे जाती जाए, पीछे जा रहे और जिससे कि रिवर सीधे डायरेक्ट लगे कि समुद्र में मिल रही है, तभी निकल बनता है। इसी प्रकार से हम लोग तट के पास जो कंदरा बन जाए, प्राकृतिक मेहरा, उसको नेचुरल आर्क करते हैं, सी स्टैक, नेचुरल चिमनी, इसमें हवा पास कर रहा है, पंप में इनकम हो रहा है, आउटगोइंग वही हो रहा है, जल के दाब के द्वारा ये होता है। तो प्राकृतिक चिमनी जीओ छत के गिर जाने से जो खाड़ी बन गया, पानी गिर गया, उसको हम लोग जीओ कह देते हैं, प्रदेश द्वार करते हैं। ज्वारीय कुंड आपको ये वेव पर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, फिर ज्वार के द्वारा गड्ढा बन जाए, ज्वारीय कुंड हो जाता है। ये आपको तरंग भर्ती वेदिका पर पान समुद्र के बीच में आपको लगेगा कि वेपर प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा सा उभरता हुआ चट्टान दिख रहा है, वो वेपर प्लेटफॉर्म होता है। इस प्रकार से हम लोग अपरदन ब्रिज स्थलाकृतियाँ जो कि सागर के द्वारा बनती हैं, सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लिए। और मुझे उम्मीद है कि अब सागर जल द्वारा निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो सब हम लोग समझ लिए होंगे और आराम से अपनी विचारधारा के हिसाब से लिख सकते हैं। थैंक यू।